Hello friends, we are going to focus on the topic factorization. Let's start with question number 1. 4a square plus 25b square plus 20ab minus 10a minus 25b. इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. पहले पार्ट को हम ध्यान से देखें तो वो है रिवर्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर. आइए देखते हैं कैसे. 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, और इस टर्म में से हम माइनस 5 कॉमन लेंगे. हमारे पास बचा 2a प्लस 5b. ध्यान से देखिए तो ये जो टर्म है हमारी वो a प्लस बी होल स्क्वायर को जब खोलते हैं उस फॉर्म में है, तो हमें उसे उस कॉम्पैक्ट फॉर्म में वापस लाना है. देखिए कैसे. a है हमारा 2a एंड b है हमारा 5b, हेंस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस कंटिन्यूइंग विद दिस टर्म 5 ब्रैकेट 2a प्लस 5b. यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कॉमन है तो इनमें से हम एक 2a प्लस 5b को कॉमन निकालते हैं. हमारे पास रह जाता है 2a प्लस 5b माइनस 5. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 100 माइनस 9p स्क्वायर. हम सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो आंसर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में दिया गया है. आइए देखते हैं कैसे. 100 का रूट इज 10, देयरफॉर 10 का होल स्क्वायर इज 100 माइनस 3p का होल स्क्वायर इज 9p स्क्वायर. इसको हम इस वे में ओपन करेंगे. आइए देखते हैं. 10 प्लस 3p इंटू 10 माइनस 3p, ये हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर. ये क्वेश्चन भी हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है. क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसका रूट लेंगे, रूट 3x होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि 7 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसका रूट लेंगे 7y होल स्क्वायर. यहाँ पर हमारा a है रूट 3x एंड हमारा b है रूट 7y. इसको हम इस फॉर्म में खोलेंगे. अब आइए देखते हैं कैसे. रूट 3x प्लस रूट 7y इंटू रूट 3x माइनस रूट 7y, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. x रेज टू द पावर 4 माइनस 81y रेज टू द पावर 4. इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे. आइए देखते हैं कैसे. एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर. एज वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हियर एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. इसको हम फर्दर ओपन कर सकते हैं वही प्रॉपर्टी लगाकर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आइए देखते हैं कैसे. एक्स होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, लीविंग दिस टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. इस पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे. एक्स माइनस 3y एक्स प्लस 3y, दिस टर्म विल रिमेन द सेम एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर.
दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9x रेज टू द पावर 4. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जिसकी भी पावर 4 थी हमने उसको x स्क्वायर होल स्क्वायर में कर दिया. यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ करेंगे, लीविंग दिस टर्म एज द सेम. 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इस टर्म को हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, जिसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ओपन करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. 2x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर. बाय फर्दर रीअरेंजिंग वी गेट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 243. टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी गेट x रेज टू द पावर 4 माइनस 81. अब इस गिवन इक्वेशन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. आइए देखते हैं कैसे. 3 कॉमन x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुकी है, जिसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में खोलेंगे. 3 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9. हम फर्दर इस टर्म में यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. 3 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर. 3 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3. अब आप बड़ा ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं. 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. 4 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. यूजुअली ये टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, बट इनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता. आइए देखते हैं कैसे. इन दोनों टर्म्स को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे. 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. कंसिडरिंग ए एज 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 1 एंड बी एज 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 1, वी अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं कैसे. 2x प्लस 1 टू एक्स वाई प्लस 1 माइनस 3 एक्स माइनस 1 टू एक्स वाई प्लस 1 प्लस 3 एक्स माइनस 1. फर्दर सॉल्विंग वी गेट 2xy प्लस 2 माइनस 3x प्लस 3 अदर ब्रैकेट 2xy प्लस 2 प्लस 3x माइनस 3. बाय सॉल्विंग वी गेट 2xy माइनस 3x प्लस 5 एंड 2xy प्लस 3x माइनस 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.
एक्स स्क्वायर माइनस 0.25। इस क्वेश्चन को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। एक्स होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे इस फॉर्म में, एक्स माइनस 0.5 एक्स प्लस 0.5। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4x² - 3। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 नहीं है, तो हम उनका रूट लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 2x² - √3² ये इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुकी है, जिसको हम a प्लस बी ए माइनस बी में ओपन करेंगे। देखिए कैसे। 2x + √3 एंड 2x - √3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 25x² - 10x + 1 - 36y² इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम इसे फिर दो पार्ट्स में करने वाले हैं। पहला होगा ये पार्ट एंड दूसरा होगा ये पार्ट। आइए देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले पार्ट में दिस इज अ एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे लिखेंगे 5x² + 1² - 2 × 5x × 1। टेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम इसे लेंगे 6y² हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है, तो वो हम कैसे करेंगे देखिए। क्योंकि हमारा a 5x है एंड b 1 है, तो हमारा आंसर हुआ 5x - 1² ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। राइटिंग द सेकेंड टर्म एज इट इज 6y² इस क्वेश्चन को आप देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाएंगे। 5x - 1 - 6y and 5x - 1 + 6y। अरेंजिंग द क्वेश्चन फर्दर, 5x - 6y - 1 and 5x + 6y - 1, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।